इंद्र सिंह, आज के जो वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 to 14 टीएस ग्रोवाल चैप्टर 1 2024 एडिशन का डिस्कस करने वाले हैं। सारे सॉल्यूशंस इस चैनल पे सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं आपको इस चैप्टर के, और साथ ही साथ आगे के भी चैप्टर्स के मिलते रहेंगे। आपको फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फटाफट से, क्योंकि और भी मैंने क्वेश्चंस की वीडियोस बना रखी है इस चैनल की। इस चैप्टर की 9th क्वेश्चन तक मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अभी और भी बनाने वाला हूँ और आगे बनती ही रहेगी। बस आपका मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो और तेज़ी से बनेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अखिल बिमल और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। अखिल ने लोन दिया फर्म को 1,00,000 का 1 जनवरी को। ऑन द सेम डेट फर्म ने भी लोन दे दिया बिमल को 1,00,000 का, और पार्टनरशिप और डू नॉट हैव अ एग्रीमेंट, इंटरेस्ट का कोई एग्रीमेंट नहीं है। अब देखो, अगर इंटरेस्ट का एग्रीमेंट नहीं है, चलो अब बात करते हैं। अखिल ने कह रहा है कि एक पर्सनल प्रॉपर्टी दे रखी है फर्म के गोडाउन के लिए, और मंथली रेंट 5,000 का मांगता है वो। फर्म ने 1,03,000 का प्रॉफिट कमाया बिफोर अबव एडजस्टमेंट, यानी कि ऊपर जितने भी बातें कही गई है इंटरेस्ट और लोन रेंट की, वो कोई भी एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं की। डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, अगर फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से और एग्रीमेंट नहीं है या इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं है तो 6% मानते हैं, लेकिन अगर फर्म ने लोन दिया है तब हम नहीं मानते 6%। लोन लिया है तो 6% उससे उसको इंटरेस्ट देंगे, अगर लोन फर्म ने दिया है तो 6% का कोई ऐसा रूल नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप क्वेश्चन जो करेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो अखिल ने लोन दिया था फर्म को, तो अखिल ने अगर लोन दिया था तो फर्म ने लोन लिया था 1,00,000 रुपये का, उसका अगर इंटरेस्ट नहीं दे रखा ना तो कितना मान लेना है, 6% पर एनम मान लेना है, और 1 जनवरी को दिया था। सबसे पहले वही निकालते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अखिल, कि अखिल को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है। 1,00,000 रुपये का लोन था, उसके ऊपर 6% लगेगा क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है, और लेकिन ये पूरे साल का नहीं लगेगा क्योंकि 6% पूरे साल का होता है। जनवरी में लोन लिया है और साल ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2024 लिखा हुआ है, तो जनवरी से लेकर 31 मार्च तक ही लोन है, ये तो 3 महीने का लोन है, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने का इंटरेस्ट दूंगा ना मैं, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगा तो कितना आएगा। तो जब आप देखोगे तो ये आएगा 1,500, ठीक है। तो ये यहाँ करूँगा, हाँ 1,500 आएगा, तो 1,500 रुपये का यानी कि अखिल को इंटरेस्ट और लोन देना है। लेकिन नीचे कह रहा है कि ऑन द सेम डेट फर्म ने बिमल को भी लोन दिया 1,00,000 का, अब उससे 6% का इंटरेस्ट और लोन लेना नहीं है, उसका कोई प्रोविज़न नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कि अगर फर्म ने लोन दिया है तो उससे इंटरेस्ट और लोन पार्टनर से लेना ही लेना है ना। अगर लिखा होता कि इतना इंटरेस्ट लेना है पार्टनर से तो लेते, नहीं लिखा हुआ है तो नहीं लेना, तो उसका तो कुछ नहीं करना। लेकिन हाँ, अखिल ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दी थी फर्म के गोडाउन के लिए, वो मंथली रेंट उसको देना है 5,000 रुपये, तो उसको तो देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेगा रेंट पेड टू अखिल, तो अखिल को रेंट देना है 5,000 तो मंथली है, तो पूरे साल का कितना होगा, 60,000 रुपये। अब हम पहले ये एडजस्टमेंट करेंगे प्रॉफिट में से, क्योंकि पहले प्रॉफिट में से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली एडजस्टमेंट करना ज़रूरी होता है, उसके बाद आप प्रॉफिट बांटते हो। तो देखिए भैया, आपको पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं प्रॉफिट की। 1,03,000 का प्रॉफिट है, यहाँ क्या निकालना है मुझे, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना, यानी कि प्रॉफिट बढ़ेगा कितने का, पहले तो वो निकालना है मुझे। उसमें उसके लिए मैं एडजस्टमेंट करूँगा, 1,03,000 का प्रॉफिट है, उसमें से सबसे पहले तो मैं इंटरेस्ट और लोन अखिल का माइनस करूँगा, तभी प्रॉफिट बांटूँगा ना, और साथ में रेंट भी माइनस करूँगा ताकि मैं ये निकाल सकूँ आखिर का प्रॉफिट बांटना कितने का, समझ रहे हो। तो ये आ जाएगा 41,500। अब हमें दोनों पार्टनर का शेयर निकालना है कि उसमें कितना, तो अखिल का शेयर कितना होगा, तो अखिल शेयर रेशियो दे रखी है, ऊपर दे रखी है 3:2, तो 3:2 में बटेगा 41,500 का 3/5 करूँगा। ऐसे ही बिमल का शेयर कितना होगा, तो बिमल का शेयर भी ऐसे निकालूँगा 41,500 का 2/5 करूँगा,
तो जब आप ये करोगे तो 5-8 जा यानी ये हो गया 24,900 आ जाएगा और ये आ जाएगा 16,600। दिस इज़ योर राइट आंसर, दिस इज़ योर राइट आंसर। आई होप आपको अच्छा समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 11 क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। निर्मल एंड पवन पार्टनर 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। फर्म ने लोन दिया पवन को 5,00,000 का 1 अप्रैल को, इंटरेस्ट 10% लगेगा। अब इसने बता दिया 10% लगेगा, अगर नहीं बताता तो मैं 6% मानता, लेकिन कैसे मान लेता, फिर वही गड़बड़ होगी ना, आपने वही समझ लिया गलती से। फर्म ने लोन दिया है, अगर फर्म लोन देता है तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लेना है पार्टनर से, इसका कोई एजम्पशन नहीं लेते। इसमें लॉ का प्रावधान, लॉ में इस बारे में बात नहीं कर रखी, लॉ में तो इस बारे में बात कर रखी थी कि अगर फर्म ने लोन लिया, ना कि दिया, लिया है पार्टनर से तो इंटरेस्ट कितना देना। यहाँ तो फर्म ने लोन दिया है पवन को और इंटरेस्ट अगर ये नहीं कहता तो मैं कुछ नहीं मानता, लेकिन ये कह दिया कि 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो अगर कह दिया तो मुझे 10% ही चार्ज करना होगा। और फर्म ने लोन लिया भी है 2,00,000 रुपये का निर्मल से दिसंबर में, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इंटरेस्ट नहीं दे रखा, तो इसका इंटरेस्ट मान लेना है 6% पर है। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, फर्म को 10,000 रुपये का लॉस हुआ, यानी कि 10,000 का लॉस हुआ, लेकिन इसमें से कुछ भी माइनस नहीं कर रखा, ये कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। चलो भाई, यानी कि वही बात कर रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट, या फिर आप कह दो कि एक्चुअल में प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, आप ये समझ लो, बस डिविजिबल प्रॉफिट समझ लो, या फिर जो प्रॉफिट होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, वो कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले ये निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर से लेना है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन। आप देखो पवन से, पवन को हमने लोन दिया था तो पवन से इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है, तो यहाँ पर 2 पवन लिखूंगा, बाई नहीं लिखूंगा, 2 लिखूंगा, क्योंकि 2 क्यों लिखा, क्योंकि लोन उसको दिया था, उसके हिसाब से 2 लिखूंगा। 5,00,000 रुपये का लोन दिया था उसे, तो 5,00,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, क्वेश्चन में कह रहा 10%, और ये लोन दिया था 1 अप्रैल को, तो यानी कि पूरे साल का लगेगा, तो टेंशन वाली बात नहीं, पूरा 10% पूरा लगाओ, पूरा 10% पूरा लगाओ तो 50,000 रुपये आएगा, एक क्योंकि 1 अप्रैल को दिया था लोन ये, तो पूरे साल का लगेगा। लेकिन जो निर्मल से, निर्मल को जो इंटरेस्ट देना है वो कितना निकालेंगे, वो निकालना है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय निर्मल लिखूंगा यहाँ, बाय, क्योंकि निर्मल से यहाँ पर लोन लिया था और अब उसे इंटरेस्ट देना है। निर्मल से कितने का लोन लिया था, निर्मल से लिया था 2,00,000 रुपये का, उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर रेट नहीं है तो 6% मान लेना है, लेकिन ये लोन दिसंबर में लिया था, तो दिसंबर में लिया था तो पूरे साल का नहीं लगेगा, दिसंबर पूरा, जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का, दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक 4 महीने का निकाल दूँ, तो 4 बाय 12 कर दूंगा, तो ये 6 2 जा 2 2 जा 0 0 कहेंगे तो 4,000 आ गया, 4,000। ये दोनों चीज़ें अब माइनस करनी है, सबसे पहले जो आपके सामने लॉस दे रखा है उसमें से माइनस करनी है पहले, तो यहाँ निकालते हैं अमाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अमाउंट कितनी ट्रांसफ़र करनी है, तो वो निकालनी है, जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वो सारे खर्चे माइनस करने के बाद होती है, जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो सब खर्चे होते हैं, उनको माइनस करने के बाद वहाँ ट्रांसफ़र होती है जो प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के लिए हमें सब कुछ माइनस करना पड़ेगा पहले, तो लॉस आपके दे रखा है 10,000 रुपये, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, 10,000 का लॉस है इस बार, ब्रैकेट में देते हैं। सबसे पहले इसमें से मैं इंटरेस्ट ऑन लोन जो निर्मल को देना है 4,000 रुपये का, वो माइनस कर देता हूँ, और ये 50,000 का लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन देना नहीं है, ये लेना है उसे, ये लेना है, देना नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये हमने उसको लोन दिया था उससे इंटरेस्ट लेना है, तो ये प्लस करूँगा 50,000, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 का उससे लेना है, तो ये मेरे लिए इनकम है, ये खर्चा था, ये इनकम है, तो जो भी खर्चे इनकम होते हैं सब पहले एडजस्टमेंट करनी है, तब आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस वो ट्रांसफ़र करना होता है, सारी एडजस्टमेंट करनी है, तो ये इनकम थी, ये खर्चा था, तो बेसिकली ये कितना आ गया, 14,000 माइनस करूँगा 50,000 में से, 36,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। दिस इज़ योर राइट आंसर, दिस इज़ योर राइट आंसर, समझिए, तो ये आपको ट्रांसफ़र करना है।
सो उम्मीद करता हूँ अच्छा समय आया था। चलो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब अंकित भानु चारों पार्टनर है, इक्वली बांट रहे प्रॉफिट, कैपिटल 2.5 लाख की दोनों ने डाली है। 1 अक्टूबर 2023 को अंकित और भानु ने दोनों ने 2.5 लाख रुपये का लोन दिया फर्म को, यानी कि फर्म ने लोन लिया, समझ गए बात को, अक्टूबर में फर्म ने लोन लिया 2.5 लाख रुपये का दोनों से। लेकिन चारों ने लोन लिया 1 लाख रुपये का फर्म से, यानी कि फर्म ने लोन दिया इस बार चारों को नवंबर में। तो एक जगह लोन दिया जा रहा है, एक जगह लिया जा रहा है। इट वॉज एग्रीड दैट अमंग पार्टनर दैट चारू को 6% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। मैंने क्या बताया था पीछे भी, इसमें यही हुआ था कि अगर फर्म लोन देती है तो पार्टनर से इंटरेस्ट लेती है, तो ये बता दिया कि 6% चारू से लेना इंटरेस्ट। अगर नहीं बताता तो मैं 1 रुपये का भी इंटरेस्ट ना लेता चारू से, क्योंकि लॉ के अंदर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इसके बारे में नहीं बता रखा। तो अगर इन्हें बता दिया तो अब लेना पड़ेगा। उन्होंने बता दिया है कि भैया 6% के हिसाब से इंटरेस्ट लोन लो, तो ठीक है हम ले लेंगे। इंटरेस्ट लोन जो है पार्टनर का वो 10 अप्रैल को पे कर देना है 2024 की। भैया हम तो 31 मार्च को साल एंडिंग हो रहा है, यानी कि कह रहे हैं कि पे जो करा वो 10 अप्रैल को करा, लेकिन भैया हम तो साल जो ख़त्म होता है हम तब एंट्री करते हैं। वो कह रहे हैं कि देखो नीचे कह रहा है कि जनरल एंट्री पास करो 31 मार्च को, ना कि अप्रैल में। अप्रैल तो 31 मार्च के बाद आता है, तो यानी कि 31 मार्च को कोई इंटरेस्ट लोन पे नहीं करा। वो कह रहे हैं कि पे तो अप्रैल में करा, अप्रैल तो अगले साल आता है, तो ध्यान से समझना इस बात को, यानी कि पे नहीं करा, पे तो भैया अगले साल करा है, 31 मार्च तक पे नहीं करा। और देखो लिखा हुआ फर्म की जो अकाउंट बंद होते हैं 31 मार्च को होते हैं, तो इसका मतलब 31 मार्च तक पे नहीं करा, वो तो अप्रैल में पे करा। तो हमें जनरल एंट्री पास करनी है, ये कह रहा है वो, जनरल एंट्री पास करनी है। इसने ये नहीं कहा खाली इंटरेस्ट लोन की, तो सारी जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो पहले एक बार जनरल एंट्रीज का एक बार फॉर्म डालते हैं, पता ही है वैसे आपको, फिर भी चलो मैं को बता देता हूँ। यहाँ लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट क्रेडिट, देखो सबसे पहले यहाँ वर्किंग नोट डाल लेते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन का एक वर्किंग नोट डालते हैं, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, सारे के सारे इंटरेस्ट ऑन लोन का वर्किंग नोट डालते हैं, देना कितना है लेना कितना है सब बना लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले भैया अंकित और भानु ने लोन दिया था 2.5 लाख रुपये के फॉर्म को, उनका पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं कितना कितना हुआ। तो यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित एंड भानु ईच, क्योंकि दोनों ने जब एक जैसा ही लोन दिया है तो उनका एक ही बारे में निकाल देते हैं कितना कितना इंटरेस्ट लोन बनता है। 2.5 लाख रुपये दिया ना, तो एक ही बारे में 2.5 लाख का सिर्फ निकाल देते हैं इंटरेस्ट लोन दोनों का आ जाएगा। तो अंकित और भानु दोनों का एक साथ निकाल देते हैं, 2.5 लाख रुपये का लोन दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट का कितना लगेगा। अगर ना दे रखा क्वेश्चन में तो 6% लगता है, आपको पता है, क्योंकि लॉ के अंदर ये कह रखा है कि अगर भैया अगर इंटरेस्ट लोन नहीं बता रखा कितना देना है उसे, 6% के हिसाब से देना है, ये मानना है। लेकिन महीने देखने पड़ते हैं, ये अक्टूबर में दिया लोन, अक्टूबर में भैया लोन दिया है, तो इसका मतलब 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक आते हैं 6 मंथ, तो 6 पर 12 कर दूंगा, तो यहाँ मैं कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ आएगा भैया 7500 रुपये, यानी कि दोनों को 7500 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। ठीक है, फिर निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपका है चारू, चारू से कितना इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है। यहाँ 2 लिखूंगा कि चारू से इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लेना है, 6% नीचे लिखे देता। तो चारू ने लोन दिया था 1 लाख रुपये का, तो 1 लाख का लोन दिया, सॉरी हमने, हाँ फर्म ने 1 लाख का उससे लोन दिया था और नवंबर में दिया था, तो पूरे साल का तो लगेगा नहीं 6% पर, है ना, मैं बताओ, तो 6% तो पहले लिख लो, लेकिन नवंबर से गिनना पड़ेगा दिसंबर 31 मार्च से, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने आते, तो 5 महीने का पहले आप निकाल लो कितना है। तो ये 2 से कट गया, 2 0 से कट गया, 2 5 जा, तो 2500 आता है। तो यानी कि 2500 रुपये इससे लेने हैं और 7500 पे इन दोनों को देने हैं,
इनकी एंट्रीज करनी है। लेकिन सबसे पहले एंट्री पता किसी करनी है आपने, लोन लेने की और देने, लिया है और लोन दिया है उसकी पहले एंट्री करो, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा सिर्फ इंटरनेशनल लोन की एंट्री करो, तो सारी एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। तो पहले तो इसको लोन लेने की एंट्री कर लेते हैं, अक्टूबर 1, 2023 को लोन दिया, लोन लेने की एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, पहले पैसा आता है बैंक में, और टू लोन बाय द पार्टनर का नाम आ गया अंकित भानु, अंकित अकाउंट टू लोन बाय भानु अकाउंट। देखो भैया 2.5 लाख रुपए का लोन दिया इन्होंने, तो 2.5 लाख रुपए लिखा हुआ और टोटल 5 लाख रुपए आए होंगे मेरे पास, तो यहाँ लिखूँगा बी लोन टेकन फ्रॉम अंकित एन भानु। ठीक है, उसके बाद अब लोन लिया था उसकी एंट्री कर लेते हैं एक बार, दिसंबर में देखो लोन लिया था 2023 को, यहाँ लिखोगा 2023 को ही आएगा दिसंबर 1, यहाँ लोन दिया था, सॉरी दिया था, तो यहाँ लिखोगा लोन टू चारू, चारू को लोन दिया था ना, तो ये एसेट है, अगर लोन दिया था तो एसेट होता है, 1 लाख रुपये का लोन दिया था टू बैंक अकाउंट, पैसा पहले बैंक से जाएगा इस बार। ठीक है, यहाँ लिखोगा बींग लोन गिवन टू चारू, चारों को लोन दिया, अब आप इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्रीज करो, अब आप करो। तो देखिए सारी एंट्रीज होती है साल के एंड में, यानी कि मार्च 31, क्योंकि ये कोई इसमें ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है, जैसे मैंने बताया पे तो किया ही नहीं है, वो तो 10 अप्रैल को किया था ना, वो तो बात की बात है, इसका मतलब 31 मार्च तो पे नहीं करा, ड्यू करना, ड्यू करने की एंट्री करनी है। तो यहाँ लिखूंगा खर्चा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित बाय भानु, दोनों जगह लिख दो, बाय अंकित अकाउंट, ठीक है, या फिर आप एक साथ ही लिख दो ना, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन बाय पार्टनर, ऐसे लिख सकते हो, चलो कोई नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन अलग अलग एंट्री कर लो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बाय अंकित टू लोन बाय अंकित अकाउंट, अंकित के लोन में ही डाल दूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग में डाल दूंगा, एक ही बात है, मतलब अगर नहीं बता रखा तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बना सकते हैं। तो कितना था 7500 रुपये, तो पहले 7500 की एंट्री कर दो। ठीक है, नरेशन तो आप लिख ही लोगे, नरेशन क्या है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित ड्यू, तो लिख लेता हूँ फिर भी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित ड्यू, फिर ऐसे ही आप भानु का भी इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू कर दो, एक साथ भी कर सकते हैं इसकी एंट्री, लेकिन आप अलग अलग कर लो कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु डेबिट टू लोन बाय भानु अकाउंट, ऐसे ही और ब्रैकेट स्लैश करके लिख दो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट 7500 रुपये, सेम टू सेम नरेशन आ जाएगी, यहाँ पर बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु ड्यू हो जाएगा बस। अब ये इसकी एंट्री करो, चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, इसमें पे नहीं, इसमें हम लेते नहीं है, लेते पता कैसे है, उसके कैपिटल अकाउंट से काट के लेते हैं, तो ये एंट्री पता कैसे होगी, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करूँगा, तो चारों कैपिटल अकाउंट, ये कभी भी बैंक से नहीं लेते, ये हम किससे लेते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज करते हैं, चारों कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारों अकाउंट, ये आएगा 2500 रुपये। ठीक है, ये आएगा 2500 रुपये से, और यहाँ लिखूंगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारों चार्ज कर दिया उससे। लास्ट में हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं सारे इंटरेस्ट और लोन सब चीज़ों को। देखो ये तो खर्चा था,
इनको तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर ट्रांसफर करोगे। सब एंट्री मार्च 31 को ही होगी, ये भी मार्च 31 को होगी, लेकिन ये जो था ये इनकम था चालू से जो इंटरेस्ट ऑन लोन लिया, ये क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट लॉस। तो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन अंकित और भानु का ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित अकाउंट, ऐसे टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु अकाउंट, सिंपल। तो 7500 रुपये, तो टोटल हो गया इसका मतलब 15000 रुपये, तो 15000 रुपये ट्रांसफर कर दूंगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर लास्ट में क्या होगा, इसको ट्रांसफर करना है, ये इनकम है और इनकम होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर, इसको कर दूंगा डेबिट क्योंकि ये क्रेडिट था, इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2500 रुपये। नरेशन आ जाएंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू चालू ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सिंपल। सो ये था बेसिकली जनरल एंट्री का क्वेश्चन, आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करिए अभी, लेकिन अभी दो क्वेश्चन और बचे वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अतुल जेठा तारक पार्टनर है, इक्वली प्रॉफिट बांट रहे हैं। जेठा वॉज गिवन लोन बाय द फर्म, यानी कि जेठा ने लोन दिया फर्म को, ठीक है, जेठा वॉज गिवन लोन बाय द फर्म, नहीं जेठा ने लोन नहीं दिया, क्या कह रहा है, जेठा वॉज गिवन लोन बाय फर्म, फर्म ने जेठा को लोन दिया, देखना जेठा को लोन मिला फर्म के द्वारा ऑन 1 जुलाई 2023 6 लाख रुपए, ठीक है 6 लाख रुपये का मिला, और बुक्स को क्लोज करना है 31 मार्च को, जनरल एंट्री पास करनी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री नहीं होता तो क्या जनरल एंट्री पास होगी, तो भैया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री नहीं होता तो जनरल एंट्री पास ही नहीं होगी ना, क्यों, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, अगर फर्म लोन देती है पार्टनर को तो उससे कोई इंटरेस्ट ले गई नहीं, अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो तो, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री नहीं हुआ, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो अगर फर्म ने लोन दिया तो कोई इससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो इतना इंटरेस्ट चार्ज करना, तो इसलिए पहले वाले की तो जनरल एंट्री पास ही नहीं होने वाली। हाँ अगर ये लोन लिया होता फर्म ने तो बात अलग होती, फिर तो 6% देते हैं, लेकिन यहाँ लोन फर्म ने दिया है उसको तो इसलिए यहाँ पर नहीं लेंगे। लेकिन दूसरा कह रहे हैं कि अगर 10% उसे चार्ज करना है, अब अगर बता दें कि 10% चार्ज करना है तो उसकी एंट्री होगी, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पास करनी है और किसी की एंट्री पास नहीं करनी। तो देखिए बी वाला, पहले वाले में तो नो जनरल एंट्री पास्ट, क्योंकि जब इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होता तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। दूसरे में 10% चार्ज करना तो उसकी एंट्री पास होगी, क्या एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन लेने की, उसके कैपिटल अकाउंट को चार्ज करते हैं, उससे कैपिटल अकाउंट से उसे चार्ज करते हैं, ध्यान रखना, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, क्या करना है, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। तो जेठा का कैपिटल अकाउंट डेबिट करूँगा, जेठास कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा अकाउंट। भैया कितना निकलेगा, 10% निकालना है, देखिए जुलाई में लोन दिया था फर्म ने तो 6 लाख का लोन था, ये आप वर्किंग नोट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 लाख का लोन था, 10% का इंटरेस्ट है और जुलाई में दिया था, तो जुलाई से कैलकुलेट करोगे 31 मार्च तक, तो जुलाई से 9 महीने आते हैं, तो 9/12 कर दूंगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेसिकली 45000 आ जाएगा, 45000 रुपये, ठीक है, तो 45000 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज करूँगा इससे। नरेशन आ जाएगी, ये आप प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के करा लेना, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, बार बार नहीं बनाऊंगा फॉर्मेट क्योंकि अब आप सीख चुके। तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा चार्ज्ड
ठीक है, पहले तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री एक और होती है, वो क्या होती है, वो होती है इसको ट्रांसफ़र करने की, इसको इस इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री कुछ नहीं करना होता, ये इनकम है तो इसको कर देते डेबिट इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि ये इनकम को ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, तो नरेशन आ जाएंगे वही, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस। समझ आ गई बात, सिंपल सा करना होता है। यहाँ पर बाकी मैंने लोन जो दिया है फर्म उसकी एंट्री क्यों नहीं करी, क्योंकि वो इंटरेस्ट के ऊपर बात कर दी थी इसने कि इंटरेस्ट एग्री हुआ तो क्या होगा, इंटरेस्ट एग्री नहीं हुआ तो क्या होगा, तो खाली यानी कि वो इंटरेस्ट की ही एंट्री पूछ रहा था। अगर जनरली पूछता तो मैं सारी एंट्री करता, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में जनरली ने सारी एंट्री, जनरल एंट्री पास करने का है तो लगभग सारी एंट्री होगी थी उसके अंदर, इसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात करी तो खाली इंटरेस्ट की एंट्री करेगी। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन में जनरल एंट्री करनी है। 14th क्वेश्चन जो कह रहा है कि पारुल परेश राहुल पार्टनर है फर्म में, फर्म गेव लोन टू राहुल, वही आ गया फिर, फर्म ने लोन दिया राहुल को, सर आज समझ गए हम, अगर फर्म ने लोन दिया किसी को पार्टनर को तो उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में ना गए। फरवरी में दिया 6 लाख का, और लेकिन ने बता दिया कि इंटरेस्ट वॉज एग्रीड टू बी चार्ज 6% पर, तो कह दिया ना 6%, आपको 6% ही करना पड़ेगा। राहुल पेड इंटरेस्ट बाय चेक, अब यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया एक। ज़्यादातर मैंने क्या होता है कि हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसे कैपिटल अकाउंट से, क्वेश्चन में लिखे ना लिखे, लेकिन अब इसने क्या करा, इंटरेस्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से उसे चार्ज नहीं करना, उसने दे ही दिया, हम उसने कह रहा है कि चेक से दे दिया फरवरी तक का इंटरेस्ट, 5 मार्च को दे दिया उसने, और बैलेंस वॉज टू बी पेड बाय द हिम ऑन 5 अप्रैल, बैलेंस वो 5 अप्रैल को पे करेगा। जनरल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन लोन की, खाली कह देना खाली इंटरेस्ट ऑन लोन की पास करनी है, तो खाली इंटरेस्ट ऑन लोन की ही पास करेंगे। तो पहले तो निकाल लेते हैं कि भाई वर्किंग नोट थे, फॉर्मेट आपको पता ही है, बार बार फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, जैसे मैंने बताया क्या, पहले वर्किंग नोट में निकालते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना, लोन लेना कितना, उससे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन टू, टू आएगा ना वर्ड, ठीक है, जब भी उसको जब भी, क्योंकि हमने लोन दिया होगा उसे, टू वर्ड है राहुल। तो देखो पहले हम निकालते हैं अप टू फरवरी 2024, फरवरी 2024 का पहले इंटरेस्ट लोन उसका कितना बनता था उससे लेना, क्योंकि वही तो कह रहा है सबसे पहले 5 मार्च को पेश करा। तो देखो 6 लाख का लोन था, उसके ऊपर एग्री हुआ है 6% पर, लेकिन फरवरी तक के का इंटरेस्ट कितना होगा, तो लोन दिया है 1 फरवरी को ही, और फरवरी तक यानी कि 28 फरवरी 2024 में लीप ईयर होता, 29 फरवरी तक कितना महीने बैठते, तो फरवरी से गिनना स्टार्ट करना है, अप्रैल से नहीं करना, ध्यान रखना बात। अच्छा फरवरी में तो 2024 की दिया था, पिछले साल की फरवरी नहीं थी वो फरवरी 2024 की ही है, मतलब कि साल जब ख़त्म होने वाला था उसी टाइम इन्हें लोन दिया, हमने फॉर्म ने उसी टाइम लोन दिया, तो मतलब कि फरवरी 1 फरवरी को ही लोन दिया फर्म ने, और उसी फरवरी तक का इंटरेस्ट वो पे कर दिया उसने 5 मार्च, तो ये ट्विस्ट है, उसने जो लोन दिया फर्म ने जो लोन दिया वो 1 फरवरी 2024 को ही दिया है, और वो कह रहा है कि 29 फरवरी 2024 तक जो भी इंटरेस्ट बनता है वो मैंने 5 मार्च को पे कर दिया, ठीक है राहुल ने, तो यानी कि सिर्फ 1 महीने का ही तो बन रहा है, पूरा 1 महीना ही तो आता है फरवरी, तो 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो कितना आता है, सिर्फ 1 महीने का, तो 1 महीने का, क्योंकि 6% तो पर एनम तो पूरे साल का होता है रेट, आपको 1 महीने का निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3000, तो 3000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन 5 मार्च को वो कह रहा है उसने पे कर दिया राहुल ने, तो उसकी एंट्री करनी है 2024 मार्च 5, तो 3000 का इंटरेस्ट लोन मुझे मिल गया, चेक से पे करा उसने, तो हमें हमारे बैंक अकाउंट में पैसे है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो क्रेडिट करूँगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल अकाउंट,
3000। तो नरेशन आएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल पेड बाय चेक अप टू फरवरी 2024। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि भैया वो इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि ये लोन दिया था अप्रैल में, तो अप्रैल से लेकर फिर 11 महीने बैठ रहे थे फरवरी तक, बट यहाँ तो उल्टा है कि फरवरी में ही लोन दिया था तो भैया फिर एक महीना बैठ रहा था। और जो बाकी बैलेंस बचा वो कह रहा है कि 5 अप्रैल को पे करा है, तो बाकी बैलेंस कितना बचा होगा भैया? साल ख़त्म होता है ना तब देखना होता है, साल के ख़त्म होने तक कितना बैलेंस बचा। साल ख़त्म होता है 31 मार्च को लिखा हुआ है, नहीं भी देखा तो मैं पता ही है 31 मार्च को साल ख़त्म होता है, तो 31 मार्च तक अब जो बैलेंस कितना बच गया? फरवरी में ही लोन दिया, देखो 1 फरवरी को ही लोन दिया, साल ख़त्म होता है 31 मार्च तक 2024। अब हमें फरवरी वाला तो सारा इंटरेस्ट पे कर दिया 3000 रुपये का, उसने बचा कितना? फरवरी वाला इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, बचा सिर्फ मार्च का, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च वाला इंटरेस्ट रह गया बस, और कुछ नहीं रह गया, क्योंकि फरवरी से लेकर 31 मार्च तक उन्हें बस इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना था, इस साल का उसका इतना ही बनता है। फरवरी वाला पे कर दिया, मार्च वाला बच गया, तो मार्च वाला बच गया ना, एक महीने का ही बच गया इसका मतलब, जैसे एक महीने का फरवरी वाला उसने पे करा, ऐसे ही मार्च पूरे मार्च का एक महीने का बच गया, वो पे करा अप्रैल में, बट साल तो ख़त्म होता है 31 मार्च को, हमें तो एंट्री 31 मार्च को करनी है। 5 मार्च तो एंट्री कर दी, लेकिन एंड वाली जो एंट्री होती है, लास्ट एंट्री इस साल की होगी 31 मार्च को, 31 मार्च तक मुझे देखना है सिर्फ। पे उसने 5 अप्रैल को करा हमें मतलब नहीं है, 10 अप्रैल को पे किया हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है 31 मार्च तक उसने कितना पे किया। 31 मार्च को उसने कोई इंटरेस्ट पे नहीं करा मार्च वाला, वो मुझे निकालना कि कितना बनता था। 6 लाख का 6% पर एनम का और एक महीने का निकालता हूँ, कितना बनता था उससे? वो बन रहा था 3000 ही बन रहा था सर, निकालने जोती नहीं थी, एक महीने का से निकालना था, बिल्कुल सही काम है। तो अब वो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ लिखोगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये तो इनकम है तो क्रेडिट ही करूँगा, लेकिन अब समझने वाली बात है कि डेबिट क्या करूँगा। देखिए डेबिट क्या करूँगा, डेबिट अब मैं बता रहा था ना, जो हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि अगर वो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा या फिर उसने नहीं दिया तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं कि रुक के बैठ जाएंगे, चलो अभी बाद में ले लेंगे देर से ना, उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पार्टनर है, फर्म का वो पार्टनर है, तो हम उसके चार्ज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, तो राहुल के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, राहुल के कैपिटल अकाउंट से ही ले लूँगा वो इंटरेस्ट, मैं रुकूंगा नहीं 5 अप्रैल तक, रुकूंगा नहीं मैं। ठीक है, उसने 5 अप्रैल को पे कर दिया, दिक्कत कोई नहीं है, फिर उसके कैपिटल अकाउंट से जो डेबिट किया है वो उसके वापस डाल देंगे पैसे उसके अकाउंट में, लेकिन यहां तो मैं उसे ले लूँगा पूरे के पूरे 3000, तो राहुल के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके 3000 ले लूँगा। ये समझने वाली बात है, बस जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन टू वाला है, यानी कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है किसी से, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। अगर पे कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट करो, नहीं करा तो उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट करो। यहाँ लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल ऑफ मार्च का जो महीना है, मार्च वाला इंटरेस्ट है, चार्ज्ड, उससे चार्ज कर लिया। और लास्ट में क्या करते हैं हम, लास्ट में करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी है वो सबको ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्योंकि ये इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल अकाउंट, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट करते हैं 3000 फरवरी का, 3000 जो उसने पे नहीं भी करा था वो भी, टोटल 6000 का 6000 मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो यहाँ लिखोगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।